अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अली उर्दू वॉइस चैनल पे खुश आमदीद। उर्दू नावल शैतान, किस्त नंबर 2। सराज की उम्र 34 बरस थी, मगर वो देखने से बिल्कुल 24-25 बरस का लगता था। वो एक बड़े बिजनेसमैन था, इसका नाम मुल्क के नामवर बिजनेसमैनों की फहरिस्त में आता था। इसका तल्लुक बुनियादी तौर पर ईरान से था, इसके वालिद फारस जबकि वालदा पाकिस्तानी थी। इन दोनों की मोहब्बत की शादी थी। शादी के शुरू के 3 साल तो वो दोनों ईरान में ही रहे, मगर सराज की वालदा की अचानक मौत के बाद इसके वालिद ने अपनी मरहूमा बीवी की एक कज़न से ही शादी कर ली थी, जिससे उनकी ज़िंदगी एक बार फिर रंगीन हो गई और उनका बेटा सराज भी संभल गया था। अब वो मुस्तकिल पाकिस्तान में रहने लगे। सराज 10 साल का था तो इसके वालिद वफात पा गए और 21 साल में दूसरी वालदा भी इस दुनिया से कूच कर गई। फिर वो पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका जा बसा। वहाँ पर इसने अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाते हुए मॉडलिंग शुरू कर दी और काफ़ी नाम कमाया। मॉडलिंग को खैरबाद कह के 28 बरस की उम्र में वो वापस पाकिस्तान लौट आया, अपना कारोबार करने लगा। शुक्रिया सिदरा ने इसका शुक्रिया अदा किया, जिसके जवाब में ने गहरी नज़र इस पर डाली। शक्ल से ऐसी तो नहीं लगती हो, क्या मजबूरी थी जो ऐसा काम किया? सराज की बात पर सिदरा का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। जी वो मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, दवाई के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, वो सच्चाई से बोली। घर कहाँ है तुम्हारा? यहाँ नहीं है, सिदरा इसको अपना एड्रेस समझाने लगी और वह खामोशी से खड़ा सुनता रहा। चलो मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। सिदरा के पास तो वापसी के लिए किराया भी नहीं था, वो चाह ना चाह करते सराज के साथ बैठ गई। दोनों पार्क से बाहर निकलकर पार्किंग में आ चुके थे। सराज तेज़ कदम उठाता एक काली लैंड क्रूज़र की जानिब बढ़ा। सिदरा को इसके साथ चलने की खातर लगभग भागना ही पड़ रहा था, क्योंकि इसकी चलने की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी, मगर सराज का ध्यान सिदरा की तरफ बिल्कुल न था। वो खासा संजीदा किस्म का इंसान था। बैठो, सराज ने गाड़ी में बैठते हुए सिदरा से मुखातब होते हुए कहा। सिदरा ने गाड़ी का दरवाज़ा दूसरी जानिब से खोला और इसके बराबर वाली सीट पर बैठ गई, तो सराज ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। काफ़ी देर दोनों के बीच खामोशी रही, फिर सराज ने इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, आपकी वालदा को क्या हुआ है? सराज सड़क पर नज़र हटाए बिना ही सिदरा से सवाल किया। सिदरा को इसकी आवाज़ बेहद अच्छी लगी। सराज की आवाज़ वाकई ही में बहुत खूबसूरत थी। इसको अपनी ज़िंदगी में अक्सर अपनी आवाज़ की तारीफ सुनने को मिलती थी, मगर सिदरा ने इससे ऐसी कोई बात ना की। हार्ट पेशेंट हैं वो, ओ अल्लाह पाक उनको सेहत दे, आमीन। सराज को वो भोली वाली लड़की पहली नज़र में ही भाग गई, जिसकी वजह सिदरा का मुकम्मल लिबास और इसकी हया थी। सराज ने अपनी ज़िंदगी में एक से एक खूबसूरत औरत देख रखी थी, मगर वो जिस माहौल से ताल्लक़ रखता था वहाँ हया आदार औरत का मिलना बहुत ही मुश्किल था। यही वजह थी कि सराज को सिदरा के हुस्न ने नहीं बल्कि हया ने अपनी तरफ मतवज्जह किया था। वो लोग सिदरा के घर पहुँच चुके थे। रस्ते से ही सिदरा ने सराज को दवा वगैरह के बारे में बता दिया। सराज ने दवाइयाँ वगैरह ले दी और कुछ रकम देने की भी कोशिश की, मगर सिदरा ने वो लेने से इनकार कर दिया। आए ना आप, प्लीज़ अंदर आएँ। सिदरा के कहने पर सराज इसके साथ इसके घर आ गया। सिदरा नहायत एहतराम से इसको अंदर ले आई। इसका छोटा सा घर था जिसमें एक सेहन और एक ही कमरा था। सिदरा सराज को इसी कमरे में ले आई जिधर सिदरा की अम्मी पहले से मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। सिदरा ये लड़का कौन है? सिदरा की अम्मी ने फिक्रमंदी से पूछा तो सिदरा ने सारा माजरा अपनी अम्मी के गोशो गुजार कर दिया। ओ अच्छा अच्छा, शुक्रिया बेटा, नासरा शमीम सराज से बोली, जिसके जवाब में सराज ने कोई ना जवाब दिया, बस चुपचाप बैठा रहा। सिदरा इसके लिए चाय बनाने चली गई और कुछ देर बाद हाथ में चाय का कप लिए कमरे में दाखिल हुई। आंटी आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ने क्या मशवरा दिया है आपको? इस हवाले से बस बेटा क्या बताऊं?
ऑपरेशन का मशवरा दे रखा है डॉक्टरों ने, मगर इतना बोलकर नासरा शमीम खामोश हो गई, मगर इसकी आंखों में आंसू तहर गए। मैं कल ही आपके ऑपरेशन का इंतज़ाम करता हूँ, पैसे की फिक्र आप ना करें। सराज की बात पर नासरा ने हैरत से इसको देखा और सोचने लगी कि एक मेरा बेटा है जिसको सगी माँ की कोई फिक्र नहीं, और एक ये है जो अजनबी होकर भी मेरे लिए इतना कर रहा था। इतने महंगे ऑपरेशन का खर्चा अपनी जेब से देने को तैयार है। सराज चाय पी चुका तो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और अपने वॉलेट में से एक कार्ड निकाल कर सिद्रा को थमाते हुए बोला, ये मेरा कार्ड है और जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर सकती हो, ठीक है? और परेशान मत हो ना किसी भी चीज़ के लिए। जी ठीक है, सिद्रा जवाब में बस इतना ही बोली। सराज को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि इसके अंदर कोई बात है जो वो कहना चाह रही है मगर कह नहीं पा रही। वैसे तुम करती क्या है? सिद्रा की परेशानी को भांपते हुए सराज ने खुद सवाल कर डाला। फिलहाल तो FSC किया हुआ है। अच्छा, अरे बेटा तुम तो हमारे लिए फरिश्ते बन के आए हो। सच कहूँ तो ये डॉक्टर बनना चाहती है मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं कि इसकी मेडिकल की फ़ीस दे सके, सिद्रा की वालदा बीच में बोल पड़ी, जिस पर सिद्रा का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख होने लगा। इसको एक अजनबी से यूँ माली इमदाद देना बिल्कुल अच्छा ना लग रहा था। सराज ने एक गहरी निगाह सिद्रा के चेहरे पर डाली, फिर कुछ देर बाद बोला, कल मेरे ऑफिस आ जाना, तुम कार्ड पर ही एड्रेस मौजूद है। जी ठीक है, सिद्रा बोली और सराज इसको बाय कहता हुआ दरवाजे की जानब बढ़ गया। सराज तो जा चुका था मगर सिद्रा टिकटिकी बांधे अभी तक इस दरवाजे को घूर रही थी। यहाँ से कुछ देर पहले सराज गया था। सिद्रा बेटा, नासरा शमीम की आवाज़ से वो होश में वापस आई। जी अम्मी मैं आ रही हूँ, अम्मी आ रही हूँ। सिद्रा ने दरवाजे की कुंडी लगाई और अंदर चली गई। अम्मी आप थोड़ी देर सो जाएं, मैं आपका सर दबा देती हूँ। ना मेरी बच्ची, तू थोड़ी देर आराम कर ले, और हाँ हुमा से कह देना कि आज का खाना भिजवा दे, वो हमारे पास एक पाई नहीं है कि हम कुछ बना लें। जी कहकर आती हूँ भाभी से। रात के 11 बज रहे थे, सिद्रा की अम्मी गहरी नींद सो चुकी थी। वैसे तो इस वक्त तक सिद्रा भी सो जाया करती थी मगर आज नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसको रह रहकर सराज का ख्याल आ रहा था। बचपन में इसकी अम्मी को एक कहानी सुनाया करती थी जिसमें एक गरीब लड़की की ज़िंदगी में बहुत से दुख होते हैं मगर फिर एक दिन एक शहज़ादा आता है और इस लड़की के सारे दुखों को खुशियों में बदल डालता है। तब सिद्रा ने इस कहानी को बहुत दिल से लगा रखा था मगर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तो ये कहानी भी इसके जहन से धुंधली होती गई, मगर आज न जाने क्यों इसको अपने बचपन की वो कहानी याद आ गई। ना सिर्फ याद आ गई बल्कि हकीकत में बदलती दिखाई देने लगी थी। इस ख्याल से ही सिद्रा के हसीन चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट आ गई थी, मगर अगले ही लम्हे इसको अपने मंगेतर नुमान का ख्याल आया तो अपने अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगी। वो सराज का ख्याल झटकते हुए अपने बिस्तर पर आ लेटी और आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करते ही इसकी नज़रों के सामने फिर से सराज का खूबसूरत चेहरा घूमने लगा। इसने झट से अपनी आंखें खोल दी। ये क्या हो रहा है मुझे? नहीं, मैं नुमान की अमानत हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुई। यही सोचते सोचते इसकी आंख लग गई। आज सिद्रा को सराज से मिले पूरा हफ्ता गुजर चुका था मगर 24 घंटे इसकी याद सिद्रा के साथ रहने लगी थी जिसकी वजह से इसके चेहरे पर एक ख़ास चमक आ गई थी, मगर वही चमक नमान को याद करते ही एकदम से मान पड़ जाती थी। सिद्रा के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था यह सब कुछ। वो बार बार सराज का ख्याल झटकती मगर फिर कोशिश बेकार जाती। यही वजह थी कि वो सराज के ऑफिस में ना जा पा रही थी। इसको डर लगने लगा था कि खुद से खुद को बेकाबू होते जज्बात से इसको ऐसा लगता था कि अगर वो बस एक बार और सराज से मिलेगी और इसको देख लेगी तो बिल्कुल
किल ही लुट जाएगी, इसकी होकर रह जाएगी। तब ही हकीकत को समझते हुए उसने सराज के ऑफिस ना जाने का फैसला किया। मगर दूसरी ही तरफ इसको अपनी अम्मी की इतनी फिक्र थी कि उन सब के बीच सिद्रा बुरी तरह उलझ कर रह गई थी। सिद्रा बावर्ची खाने में खड़ी आटा गूंद रही थी कि इसके हवासों पर फिर एक बार सराज सवार होने लगा और वो ना चाहते हुए भी इसके ख्यालों में खोई हुई थी। सिद्रा को इसकी मालो दौलत से हरगिज कोई गर्ज ना थी। वो इन लड़कियों में से हरगिज ना थी जो घर गाड़ी और पैसे के पीछे भागती हैं। वो तो उन लड़कियों में से थी जिनके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत सिर्फ अपने जीवन साथी की होती है, और इसको सराज की अच्छाई ने ही मुतासर किया था। यहाँ सब ने बुरे वक्त में इससे मुंह फेर लिया था, वहाँ सराज का एक अजनबी होते हुए भी इसके लिए इतना कुछ करना बहुत कम होता था। आप जैसे लोग नायाब हैं, सिद्रा ख्यालों में गुम खुद ही से बातें किए जा रही थी, और बेख्याली ने इसने अपने सामने पड़े आटे पर सराज लिख डाला। ओहो, ये सराज कौन है? निदा की आवाज़ पर सिद्रा एकदम घबरा कर होश में आई। कौन सराज? नहीं, कोई भी नहीं। सिद्रा जी झूठ तो ना बोले, ये क्या है फिर? निदा ने शोखी से आटे पर लिखे नाम की तरफ इशारा करते हुए कहा। निदा सिद्रा की अच्छी दोस्त थी और वो इसके पड़ोस में ही रहती थी। वो अक्सर सिद्रा से मिलने इसके घर आ जाया करती थी, या कभी सिद्रा इसके घर चली जाया करती थी। आज भी निदा अचानक ही सिद्रा के घर आ गई। ये तो सिद्रा की नज़र जब सराज के लिखे हुए नाम पर पड़ी तो इसको अपनी नादानी पर बहुत गुस्सा आने लगा। हाँ हाँ हाँ, वो बोली, मुझसे भी छुपा रही हो जीजू को? हाँ। निदा की ऐसी बात पर सिद्रा के चेहरे पर एक दर्द बड़ी मुस्कुराहट आ गई। अब तुम्हें क्या बताऊँ, तुमसे तो क्या मैं खुद से ही छुपा रही हूँ अपने जज्बात? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल कुछ दिन पहले अम्मी की दवाई के लिए पैसे नहीं थे तो रास्ते में ये मिल गए थे। उन्होंने मेरी मदद की थी और कह रहे थे कि अम्मी के ऑपरेशन का खर्चा भी उठाएंगे। वाह यार, ज़बरदस्त, फिर तो इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर वो तुम्हारी अम्मी के दिल का ऑपरेशन खर्चा पूरा कर दें तो कितनी बड़ी बात है। निदा बोली, अल्लाह ने बहुत दे रखा है उनको। सिद्रा खला में घूरती हुई बोली। इनको सराज का जिक्र करने से भी एक अजीब सी मुसर्रत हासिल हो रही थी। अपना कार्ड भी दिया है, बोल रहे थे मेरे ऑफिस आ जाना। तो चली जाना यार, फिर तो मोटी पार्टी हाथ लगी है, निदा शोखी से हंसी। नहीं निदा, बस इतना ही बोली, मैं समझ गई। मेरी खुददार दोस्त को किसी से मदद लेना अच्छा नहीं लग रहा ना। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। मैं तो कहती हूँ कि इसको अल्लाह की तरफ से मदद समझ कर दिल खुल कर इसको कबूल कर ले। मगर सिद्रा, एक बात है, निदा कुछ सोचते हुए बोली। क्या बात? इतनी मेहरबानी वो क्यों कर रहा है? इसके पीछे इसका कोई मकसद भी हो सकता है, वरना आजकल कौन किसी के लिए इतना करता है। नहीं सराज, ऐसे नहीं है। निदा की बात पर सिद्रा के मिजाज बिगड़ने लगे, मगर क्यों, ये बात वो खुद भी समझ नहीं सकी। ओहो सराज साहब के बारे में ज़रा सा क्या कह दिया कि आपको इतना बुरा लग गया? निदा हंसते हुए बोली। आखिर इरादा क्या है मैडम आपका? ओ निदा चुप हो जाओ, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ, परेशान क्यों हैं आप? निदा संजीदा होते हुए बोली। यार सच कहूँ तो इतने में सिद्रा की नज़र झुकी खड़ी हुई, जबकि निदा सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखने लगी। सिद्रा के चेहरे पर एक रंग आया और चला गया। वो एक बार फिर बोली, कुछ समझ नहीं आती, जिस दिन से उनसे मिली हूँ इनका ख्याल जाता ही नहीं है। लाख कोशिश कर चुकी हूँ दिल को समझाने की कि मैं किसी और क्यों हूँ, मगर ये जो दिल है ना, एक नहीं सुन रहा मेरी। ये तो बस सराज का ही होकर रह गया है। निदा, मैंने बहुत कोशिश की इस हकीकत से भागने की, मगर लगता है कि हार गई हूँ मैं अपने दिल के आगे।
मैं तो तेरी हालत देखकर पहले ही समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। निदा, बताओ ना मैं क्या करूं? वो सब बाद में सोचते हैं, फ़िलहाल इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारी अम्मी का इलाज। और कुछ मत सोचो, बस अल्लाह पर भरोसा रखो और चली जाओ इसके ऑफिस। मगर निदा, मगर वगर कुछ भी नहीं, तू जाएगी बस। निदा बहुत ज़िद्दी थी और सिद्रा ये जानती थी कि निदा इससे अपनी बात मनवा कर ही दम लेगी, तभी इसने निदा के आगे हथियार डाल दिए। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी, पर तू भी मेरे साथ चलना। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल, मैं आ तो आपके साथ जाऊंगी। अच्छा तो बैठो, मैं तुझे अपने हाथों से गरम गरम पकौड़े खिलाती हूँ। वाह, जल्दी आओ ना यार, ये कहते हुए निदा वहाँ से चली गई और सिद्रा पकौड़े बनाने लगी। नाज़रीन, इस कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।